नमस्कार मित्रों, फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते एक नए वीडियो के साथ आज फिर से हम हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प और तनाव के बीच सोमवार शाम को केंद्र सरकार ने लगभग 59 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के मद्देनज़र भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र सरकार को एक सूची सौंपी थी। इसी सूची में भारतीय यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज मोबाइल ऐप के नाम थे। सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से या तो इन्हें बैन करने या लोगों से इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल करने की अपील की थी। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई थी कि इस ऐप के जरिए चीन जो है भारतीय यूजर्स का डाटा हैक कर सकता है। इसी के मद्देनज़र सुरक्षा एजेंसियों के मद्देनज़र हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक अहम कार्रवाई हुई और लगभग 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया। लगभग 93% हैकर ग्रुप जो चीन में है, वहाँ की फंडिंग वहाँ की वो आर्मी करती है। तो चीन जब ज़मीनी स्तर पे हमसे जीत नहीं पा रहा है तो उसने साइबर स्पेस अर्थात साइबर हमला करने को चालू कर दिया, जिसके कारण जो है हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बैंकिंग और एक मोबाइल से संबंधित जो है प्रभाव पड़ सकते हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए अपने मोबाइल में, अपने अकाउंट्स में, ईमेल में कुछ एक सेटिंग कर लेना है। उन्हीं सेटिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, वो कमाल की क्या सेटिंग है जो हम मोबाइल में कर सकते हैं और इन चाइनीज हैकरों से बच सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वो कमाल की सेटिंग बताते हैं जिसके करने से आप इन चीनी हैकरों के निशाने पर नहीं आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो सेटिंग जो हमारे चाइनीज़ ऐप चाइनीज़ हैकर से हमें बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने प्ले स्टोर पे। आप देख रहे हैं कि हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाकर सीधा आपको टाइप करना है चाइनीज़ ऐप रिमूवर या चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर। तो चलिए हम टाइप करते हैं चाइनीज़। तो देख रहे हैं आप, ऊपर में आपको शो रहा है चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर, इसको हमें टच करना है। तो आपको देख रहा है ये थर्ड नंबर में, आप देख लीजिए लोगो चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर जो ये थर्ड नंबर में आया है, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, देख लीजिए आप इसका पिक्चर देख लीजिए। चाइनीज़ ऐप डिटेक्टर वर्कहोलिक इन्फो कॉर्प कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। तो इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है, सीधा हमें ओपन करना है इसे। ओपन करने के बाद ये आपको कुछ थोड़े ऐड आने लगेंगे, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ से क्रॉस कर देना है, फिर यहाँ पर आ जाना है। तो देखिए, मैंने अभी अपना ये स्कैन कर लिया है, तो इसमें मेरे में कुछ भी नहीं दिखाएगा। नहीं तो आपको यहाँ स्कैन का ऑप्शन रहेगा, ये लेडीज़ आपको थम्स अप करते हुए दिखाएगी। तो मतलब आप में के मोबाइल में कोई भी चाइनीज़ ऐप नहीं है। नहीं तो यहाँ पर आपका स्कैन का आएगा ऑप्शन, तो वहाँ जाकर सीधा आपको स्कैन कर लेना है। और एक कदम स्वच्छता की और ये लेडीज़ का पिक्चर आ गया, तो समझ लीजिए आपके मोबाइल में कोई भी चाइनीज़ ऐप नहीं है। तो जल्दी जाके प्लीज़ ये सेटिंग कर ले, अन्यथा आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या बैंकिंग ट्रांजेक्शन या फ़ोन रिकॉर्डिंग या किसी भी संबंधित चीज़ जो है वायरल हो सकती है और वो चाइनीज़ हैकर के निशाने पे आ सकती है। इसके बाद दूसरी नंबर की सेटिंग करना हमें, अपने सेटिंग में चले जाना है। ये देखिए, हम आ गए अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाकर हमें अपने सिक्योरिटी फीचर में चले जाना है। पहला फीचर आप देख रहे हैं गूगल प्ले प्रोटेक्ट, तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट को यहाँ सीधा सिंपल टच करना है। फिर यहाँ पर देखिए नो प्रॉब्लम फाउंड मेरे में आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्कैन कर लिया है। आप ही जैसे ही आप गूगल प्ले प्रोटेक्ट ओपन करेंगे, यहाँ स्कैन का ऑप्शन आएगा, तो ये कुछ देर स्कैनिंग होगा। ये देखिए स्कैनिंग इन प्रोसेस, तो इसमें थोड़े कुछ टाइम लगेंगे। देखिए स्कैन हो रहा है, तो हमारा मोबाइल में शो हो गया नो प्रॉब्लम फाउंड। तो आप में भी ऐसा शो हो जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा, तो वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे उसे रिमूव कर सकते हैं आराम से। तीसरी नंबर की बात करें जो हमें सेटिंग करना है, और वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण सेटिंग है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने सेटिंग में। तो चलिए मित्रों, चलते हैं अपने सेटिंग में। सिक्योरिटी अपडेट, योर सिस्टम इज अप टू डेट, चेक फॉर अपडेट। तो सिक्योरिटी अपडेट जो सेटिंग का एक फीचर रहेगा, उसको आप क्या करिएगा, चेक फॉर अपडेट, अपडेट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये जैसे ही अगर अपडेट रहता है तो वायरस से आने का इसमें खतरा बहुत ही कम रहता है। तो हमारा मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 9 सिक्योरिटी अपडेट 5 मई जो है अप टू डेट है, हमारे मोबाइल का अप टू डेट है। आप भी अपना में
चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीधा क्या जाना है, सेटिंग में चले जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद गूगल प्ले प्रोटेक्ट देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन फाइंड माय डिवाइस, थर्ड ऑप्शन सिक्योरिटी अपडेट। तो बस यहाँ पर ही सीधा सिंपल क्लिक करें और यहाँ पर देख ले कि अगर आपके मोबाइल में सिक्योरिटी अपडेट है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो वो अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट एक बात करें तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सुरक्षित है, उसको सेटिंग भी हमें कर लेना चाहिए। हमें ऐप एंड नोटिफिकेशन वाले सेटिंग में चले जाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने ऐप एंड नोटिफिकेशन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐप है हमारे पास, बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे यहाँ पर दिख शो हो रहे हैं। तो इसमें से जो ऐप फालतू है और जो ऐप परमिशन मांगते हैं तो वहाँ पर आपको परमिशन बंद कर देना चाहिए। आप देख रहे हैं इतने सारे ऐप है, मान लीजिए आप गेम कैंडी क्रश खेलते हैं तो इसमें जो फालतू का परमिशन देखिए, इसमें नो परमिशन रिक्वायर है, तो इसमें तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे क्लॉक खोले नो परमिशन ग्रांटेड, जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशन क्या है परमिशन मांगते हैं। तो जो एप्लीकेशन आप ज़्यादा नहीं यूज करते हैं उस समय तत्काल थोड़े समय के लिए परमिशन को नो पर कर देना चाहिए, जिससे कि अब फिर जिस समय आपको वह एप्लीकेशन यूज करे वो परमिशन मांगे तो बस परमिशन आपको दे देना चाहिए। लेकिन ऐसे ही किसी भी को भी परमिशन ना देना चाहिए दोस्तों। तो आप जाकर ये से कमाल की सेटिंग कर ले तो आप चाइनीज हैकर से बच सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा आपका खास पैसा है, आपके खून के पसीने का कमाया हुआ पैसा है। तो प्लीज़ ये सेटिंग कर ले वरना रातों रात हो सकता है खाता साफ। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा है तो एक हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।